बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आज सुबह 8 बजे पटना पहुँचे और अभी 4 बजने जा रहा है। इस वक्त पर्व हनुमत कथा प्रवचन का समय हो चुका है और अब बाबा जो है कुछ ही मिनट में पहुँचे हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये मंच दिखाएंगे, ये पंडाल है और ये जो पंडाल देख रहे हैं ये मंच का पंडाल है और उसके जस्ट बगल में ये ग्रीन रूम बनाया गया है और बाबा जो है सबसे पहले ग्रीन रूम में जाएंगे और यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं कि किस तरह सुरक्षा व्यवस्था है और कुछ लोग जो देख सकते हैं कि जय श्री राम और बागेश्वर बाबा की जय के नारे लग रहे हैं और लोग ये जो आप ये भीड़ देख रहे हैं ये VIP जो पास होता है VIP गेट से घुस आए हुए लोग हैं और देखिए बाबा जो है खुले इस जीप में आए हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए ये जो गेट था वहाँ सिर्फ इस जगह पर सिर्फ VIP लोगों का आने का था लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पहुँच चुकी है और अधिकांश लोग के हाथ में मोबाइल है और ये जो यादगार पल है उसको ये भुलाना नहीं चाहते हैं। उसको लेकर जो श्रद्धालु हैं जो भक्त हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों के एक जो फोटो है वो बाबा के साथ हो जाए इसको लेकर जो देख सकते हैं भीड़ जो अपार भीड़ हो चुकी है और बाबा अब तो देखिए ये तो एक तो देख सकते हैं कि भीड़ काफी ज्यादा है। अब बाबा यहाँ से उतर कर ग्रीन रूम में जाएंगे उसके बाद अब प्रवचन स्थल पर पहुँचेंगे लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर जो भीड़ थी हालांकि ये जगह पर सिर्फ VIP लोगों का पास वाले लोग का आना था लेकिन कहीं ना कहीं लगता है वॉलेंटियर और सुरक्षा कर्मियों की कमी पड़ गई जिसके कारण यहाँ जो है हर तरह के लोग इस जगह पर पहुँच चुके हैं। तो देखिए अभी जो ये जो भीड़ का आकलन है बहुत छोटी भीड़ है। अगर हम उधर जाएंगे आगे जो जहाँ भक्तों की जो प्रवचन सुनने वालों की भीड़ है वहाँ काफ़ी संख्या में लग रहा है, 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो आज पहला दिन है लगभग 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ देखे जा रहे हैं और सभी का एक ही मोटो है, एक ही सोच है बाबा की दर्शन हो जाए, बाबा का बाबा की प्रवचन सुने, बाबा का दर्शन हो जाए और इस सोच के साथ जो लोगों की भीड़ है। कहाँ से आए आप लोग? विक्रम थाना। विक्रम से आए हैं सर? हम प्रयागराज से आए हैं बाबा जी। देखिए कहाँ से आए हैं आप? यही पटना से। पटना से ही? हाँ पटना से। दर्शन हुआ बाबा का? गाजीपुर से हम आए हैं। गाजीपुर यूपी तो दर्शन हुआ? हाँ हुआ, हो गया। देखिए एक ये उत्तर प्रदेश गाजीपुर से यहाँ पहुँचे तो यहाँ सिर्फ पटना ही नहीं, यहाँ कहाँ से आई है? हम यूपी से आए हैं। कहाँ यूपी? कहाँ? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से क्या कैसे जानकारी, मोबाइल से जानकारी मिली थी? नहीं, हमको मोबाइल से ही जानकारी मिली है। तो आज आए थे? Yes, sir. नहीं सर, ये तो यहाँ पे पढ़ाई करती हैं, मैं यहाँ कल आया हूँ। मुझे आज 15 दिन से लगभग पता था कि पटना के नौबतपुर में इनका प्रोग्राम है और बागेश्वर बालाजी का ये कलयुग के राजा हैं और इनका बिल्कुल साक्षात बजरंग बली का दर्शन दे रहे हैं ये और सबके कष्टों का निवारण कर रहे हैं और इनके मात्र दर्शन से ही सबका कष्ट का निवारण हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इनके यहाँ किसी की पेशी ही लगे तभी निवारण होगा, इनका बिल्कुल साक्षात दर्शन अब हम लोगों का हुआ, हमारा बिल्कुल जीवन धन्य हो गया। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की, जय गुरु जी महाराज की। अभी के 5 दिन रहेंगे सर? मैं 5 दिन तो मुश्किल है लेकिन 1-2 दिन जरूर रहूंगा और उम्मीद करता हूं घर वालों से बात करूंगा, मैं 5 दिन जरूर रहूंगा। तो देखिए अपनी अपनी राय है, इनका मानना है कि कलयुग के राजा हैं बाबा बागेश्वर जी महाराज और इलाहाबाद, कोई गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कई राज्यों से, इतना तक कि नेपाल से भी कई लोग पहुंचे हैं और सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है कि एक बाबा के एक दर्शन मात्र से ही जीवन धन हो जा रहा है। तो ये आस्था है लोगों में कि और यही कारण है कि जो यहाँ जो जन सैलाब उमड़ा है। क्योंकि पंकज के साथ परमानंद सिंह, ये भी पटना।